तो अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की सहायता से फोन पे से रेंट भी करना चाहते हैं, या फिर अपने धनी ऐप हो गया, या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो उसका पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं दोनों सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे आप आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और लाइक फ़ोनपे जैसे काफ़ी सारी चीज़ों में आपको यूज़ करना होता होगा पैसा, वो आप आसानी से कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए चलना होगा हमें मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आ जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके की यहाँ पर ओपन दिख रही होगी। आपको क्या करना है, इसके टाइटल पर क्लिक कर देना है। देन आपको एक ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट हो जाओगे। 100% ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन की आप रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हो, डाउनलोड्स चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे इसके डाउनलोड्स भी हैं। 100% ट्रस्टेड एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमको इसे इंस्टॉल कर लेना है। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, यार वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी यहाँ पर सारी डिटेल आपको समझ में आने वाली है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, इसके बाद इसे ओपन कर लेना है। देन आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पेज है वो अपने सामने कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपना खुद का रियल नेम डाल रहा हूँ, और मैं खुद इस एप्लीकेशन को पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना नेम डालूँगा, देन मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पर क्रिएटर अकाउंट में क्लिक करके वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरा जो भी नंबर है वो यहाँ पर OTP से सिंपली वेरीफाई हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली अकाउंट जो है बन चुका है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने देखने को मिल रहे होंगे। आपको होम पेज कुछ इस तरीके का शो हो रहा होगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि इसमें एक फ़ीचर है कि अगर आप गोल्ड गिफ्ट कार्ड परचेज़ करते हो, जिन उसको जस्ट इंस्टेंट कैंसिल कर देते हो, तो आपका जो गिफ्ट कार्ड का जो पैसा है वो आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या कर देना होगा, सिंपल सी यार इजी प्रोसेस है, बस लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगी। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, डिजिटल गोल्ड वाले बटन में आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जैसे ही आएंगे, देखिए आपको यहाँ पर होम पेज आपको शो होने लगेगा, काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सबके बारे में हम लोग बाद में जान लेंगे। पहले आपको डिजिटल गोल्ड में आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको क्या कर देना है, एक गिफ्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे, आपके यहाँ पर वाई या गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर 1,00,000 तक के जो है गिफ्ट कार्ड अपने क्रेडिट कार्ड की सहायता से खरीद सकते हैं, देन उसको इंस्टेंट कैंसिल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले पाओगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए 1,000 का जो है गिफ्ट कार्ड परचेस कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 5,000, 10,000, 2,000, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली 1,000 का जो है गिफ्ट कार्ड परचेस करने वाला हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, देन CVV है, वो यहाँ पर डालना है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पर जो है स्क्रीन ब्लैक हो गई है। देन यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड अ क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा होगा, तो अपने को CVV नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह, यहाँ पर जो भी डिटेल है क्रेडिट कार्ड की वो यहाँ पर फिल कर देनी है। देन इसके बाद यहाँ पर पे वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो मैं सारी प्रोसेस यहाँ पर कर लेता हूँ, और इसके बाद देख सकते हो कि मेरा जो गिफ्ट कार्ड है वो यहाँ पर वही हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट गिफ्ट कार्ड करके देखने को मिल रहा होगा, और देन 1,000 रुपये मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने को जिस तरीके के यहाँ पर ओपन देखने को मिलेगा, वापस से मैं होम में आ जाता हूँ, हो सकता है कि स्क्रीन बैक हो जाए। तो वापस से आपको जाना है डिजिटल गोल्ड वाले में, और यहाँ पर माई गोल्ड में क्लिक करके आपको व्यू ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वापस से जो आपका गिफ्ट कार्ड जो आपने परचेस कर रखे होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इंस्टेंट कैंसिल करेंगे, देन अपना जो पैसा है वो अपने करंट अकाउंट में लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो पैसा है वो एप्लीकेशन में आ चुका है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैंसिल गिफ्ट कार्ड करके, तो मैं क्लिक कर देता हूँ कैंसिल, एंड इंस्ट आप देख सकते हैं कि रिफंड का ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। अब आपको क्या करना, आप चाहें यहाँ पर फ़ोनपे में पैसा लेना चाहें फ़ोनपे में ले सकते हैं, गूगल पे में लेना चाहें गूगल पे में ले सकते हैं, अपने करंट अकाउंट में लेना चाहें अकाउंट नंबर डाल के आप इसमें पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ कैंसिल एंड इंस्टेंट रिफंड में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर लूँगा, क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट में अपना पैसा चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना जो भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देन अगर आप UPI के थ्रू भी चाहें तो भी आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, और अपने UPI से भी अपना पैसा मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने वाली डिटेल निकल के जाती है, कि मुझे अपने बैंक का नाम, देन यहाँ पर अकाउंट नंबर,
एंड री एंटर मतलब दोबारा से अपना अकाउंट नंबर देना, IFSC कोड सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है, देन यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ, देन आपको मैं लाइव बताऊँगा। और वीडियो यार अब तक अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट हमारा जो रिफ़ंड है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो बैंक का SMS है शायद वो भी आ चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंस्टेंट जो मेरा पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ले पाओगे और आप जो भी करना चाहें आप वो कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि फ़ोनपे से आपको रेंट कैसे पे करना है। सबसे पहले अपने को फ़ोन पे ओपन कर लेना, और देन फोन पे जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन निकल के जाएगा। काफ़ी सारे लोग जो है अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते होंगे, देन आपको यहाँ पर रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाना है। देन इसके बाद देखिए आप क्रेडिट कार्ड से भी रेंट पे करते हो तो थोड़े बहुत आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, बाकी मैंने जो आपको तरीका बताया हूँ उसकी मदद से आप बिना किसी चार्ज के कर सकते हो, और बीच बीच में थोड़े बहुत चार्जेस लग सकते हैं तो वो काफ़ी कम है। अब आप यहाँ पर नॉर्मली जो भी रेंट आपको पे करना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा, और आप अपने जो भी काम है वो भी यार आराम से कर पाओगे। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम है जो भी डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको जिसको भी पैसा देना है वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपका जो भी लैंडलॉर्ड है उसको आपको अब यहाँ पर नॉर्मली सिंपल ऐड बैंक अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है, और जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर आप नॉर्मली ऐड कर लेंगे, या फिर आपका जब पैसा करंट अकाउंट में आएगा तो आप आसानी से अपने भीम UPI या फिर किसी के भी माध्यम से आराम से अपना पैसा पे कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पैसा आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव मिली लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दो जाना। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।